मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी माइक को ढूंढने उसके अपार्टमेंट में आता है, लेकिन उसे माइक तो मिलता नहीं है और ऊपर से दो आदमी उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि माइक कहाँ है। तब वो आदमी कहता है कि मुझे क्या पता माइक कहाँ है, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। और तब वो दोनों आदमी उसे शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये दोनों आदमी एक गैंग का मेंबर होता है जिनसे पैसा लेके माइक भाग गया था। उसके बाद वहाँ पुलिस आता है और वहाँ छानबीन के दौरान पुलिस को माइक के घर से एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो कि माइक की गर्लफ्रेंड की थी। पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर से उस लड़की को ढूंढने की ऑर्डर देता है। उसके बाद हमें दो भाई बहन रूडी और ग्लोरी और उनका एक फ्रेंड पैट को दिखाया जाता है। ग्लोरी कैनिबल्स के ऊपर कोई बुक लिखना चाहती थी और इसलिए वो अमेजोन के जंगल में जाना चाहती थी। ये तीनों वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस से मनुका नाम की एक गांव का पता पूछता है क्योंकि पेट कहीं पे पड़ा होता है कि मनुका गांव के लोग कैनिबल्स है और वो लोगों को मार के खा जाता है। वहाँ की फॉरेस्ट ऑफिसर से पहले इस गांव का पता उन लोगों को नहीं बताता है, लेकिन पैट उस ऑफिसर के साथ शावर लेने से वो ऑफिसर उस गांव का पता बता देता है। उसके बाद ये तीनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। एक जगह पे उन लोगों का जीप कीचड़ में फंस जाता है और फिर वो लोग पैदल ही सफर को जारी रखता है। रास्ते में वो लोग एक आदिवासी आदमी को देखता है जो कुछ कीड़े को खा रहा होता है, जिसे देख उन लोगों को घिन आता है और वो लोग आगे बढ़ने लगता है और बाकी सारे गांव वाले उन लोगों की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। सफर के दौरान रात हो जाता है और वो लोग एक जगह पे सो जाता है। अगली सुबह जब वो लोग फिर से सफर शुरू करता है तब उन्हें एक जगह पे दो मरे हुए आदिवासी दिखाई देता है जो कि ट्रैप में आके मारा गया था। और फिर वहीं पे दो अमेरिकन उन लोगों की तरफ आता है जिनमें से एक का नाम जोय होता है और दूसरे का नाम माइक होता है। दोस्तों ये वही माइक है जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में जिक्र किया गया था। जोय काफी ज्यादा घायल था और फिर वो तीनों मिलकर माइक और जोय की हेल्प करता है। वो लोग माइक और जोय से पूछता है कि उन लोगों का ऐसा हाल किसने किया है। तब माइक उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पे पुर्तगीज के साथ घूमने आया था, लेकिन यहाँ के कैनिबल्स यानी कि नरभक्षियों ने पुर्तगीज को मार डाला और उनका ये हाल कर दिया। माइक और जोय जैसे तैसे करके उन कैनिबल्स के हाथों से बचने में कामयाब हो गया और वो लोग यहाँ चले आए। ग्लोरी माइक से कहती है कि उन लोगों को उस गांव में जाना होगा जहाँ कैनिबल्स है, क्योंकि ग्लोरिया कैनिबल्स के ऊपर कुछ रिसर्च करने आए है। माइक ग्लोरी को कई बार मना करता है कि उस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ग्लोरी माइक की एक भी नहीं सुनता है और फिर वो लोग उस गांव की तरफ चल देता है। चलते चलते रात हो जाता है और वो लोग एक जगह पे सो जाते हैं। सुबह होने के बाद सब लोग देखता है कि ग्लोरिया वहाँ पे कहीं भी नहीं है और तब सब लोग ग्लोरी को ढूंढने लगता है। ग्लोरी को ढूंढते हुए रूडी को वो गांव दिखाई देता है जो उसे वहां जाने के लिए मना करता है, लेकिन रूडी फिर भी वहां जाता है। वहां पे कुछ बुरे आदिवासी गांव वाले बैठे होते हैं जिन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि वो लोग काफी डरा हुआ है। और वहां दो लोगों की सरे हुए लाशें भी देखने को मिलता है जिनमें से एक लाश को एक पैर के साथ बंधा हुआ था। दूसरी तरफ माइक और पैट को ग्लोरिया एक गड्ढे में मिलता है जहां एक पिग का बच्चा भी होता है। ग्लोरिया उस पिग के बच्चे से बहुत डर रहे होते हैं। तब माइक उस पिग को मार देता है और ग्लोरिया को वहां से निकाल लेता है। उसके बाद सब लोग गांव जाता है और वहां दोनों सरे हुए लाशों को देख के ग्लोरिया काफी डर जाता है। तब माइक सबको कहता है कि हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन तभी जोई का हालत बहुत खराब होता है और वो वहां पे बेहोश होकर गिर जाता है और इसलिए जोई को लेकर उन लोगों को गांव वालों की झोपड़ी में रहना पड़ता है। माइक उन लोगों को कहता है कि बेहतर होगा कि हम जोई को यहां छोड़ के चले जाएं, लेकिन कोई भी जोई को यहाँ इस हालत में छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं होता है। तब माइक कहता है कि जोई के ठीक होने के साथ साथ हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं हैं। उसके बाद माइक और पैट मस्ती कर रहे थे, तभी माइक डिसाइड करता है कि वो लोग गांव वाला के साथ भी मस्ती करेगा और फिर माइक गांव की एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के लिए जाते हैं। तब उस लड़की का भाई चीखने और चिल्लाने लगते हैं और माइक उस लड़की के भाई को बहुत मारता है। तभी गांव की वो लड़की भागने की कोशिश करता है और माइक उसे शूट करके मार देता है। गोली का आवाज सुनकर रूडी भी वहां पहुंच जाता है। ये सब देख माइक के साथ रूडी का झगड़ा और मारपीट हो जाता है। उसके बाद ग्लोरिया रूडी को आवाज देकर बुलाते हैं और रूडी ग्लोरिया और जोई के पास उस झोपड़ी में जाता है। जोई मरने वाला होता है और वो मरने से पहले रूडी और ग्लोरिया को सब सच बताता है। जोई बताता है कि माइक ने जो कुछ भी उन लोगों को बताया है वो सब झूठ है। दरअसल माइक और जोई दोनों ही छठे हुए चोर और बदमाश है। वो दोनों एक आदमी को बहुत ही कम दाम में जेमस्टोन को बेचते हुए देखते हैं। वो आदमी इसी गांव का ही था।
और माइक जेम्सटोन्स के लिए उस आदमी से पूछने से वो आदमी बताता है कि इसी गांव से उसने जेम्सटोन्स को इकट्ठा किया है। माइक उसे अपने झांसे में लाता है और उसे अपना गाइड बना लेता है और इस गांव में चले आते हैं। माइक इस गांव के हर इंसान को काम पे लगा देता है। बहुत दिन चले जाते हैं लेकिन उन्हें एक भी जेम्सटोन्स नहीं मिलता है। एक दिन माइक कोकीन के नशे में आके अपने गाइड को बहुत मारता है और गांव के बीचों बीच उसे एक पेड़ से लटका के उसका प्राइवेट पार्ट को काट देता है जिससे वो मारा जाता है। माइक बंदूक की डर से कबीले वालों को भी बंदी बना लेता है और उन कबीले वालों में से एक बंदे की पेट को माइक तलवार से चीर देता है जिससे वो तरफ तरफ के मारा जाता है। जोई ने माइक को बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं रुका। वहाँ से निकलने के लिए माइक अपने साथ दो आदिवासियों को ले लेता है और ये वही दोनों आदिवासी है जो ट्रैप में आके मारा गया था। माइक जोई को भी मारने वाला था लेकिन उन लोगों को देख के यानी कि रूडी, ग्लोरिया और पैट को देख के माइक जोई को नहीं मारता है। माइक के बारे में ये सब सुन के रूडी और ग्लोरिया बहुत हैरान रह जाते हैं। वो दोनों झोपड़ी से बाहर आता है और कुछ आदिवासियों को देख के छुप जाता है। वो आदिवासी जोई की डेड बॉडी को बाहर निकाल के खाने लगता है। ये देख रूडी और ग्लोरिया काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन आदिवासी उन्हें पकड़ लेता है और तो और आदिवासी पेट और माइक को भी पकड़ लेता है। कबीले वाले आदिवासी माइक को एक पैर में बांध देता है और माइक पे टॉर्चर करने लगता है। कबीले वालों में से एक आदमी माइक की प्राइवेट पार्ट को काट के खा जाता है। उस तरफ पुलिस वाले माइक के घर से मिली तस्वीर वाले लड़की यानी कि माइक की गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेता है जिसे पता होता है कि माइक कहाँ गया है। उन लोगों को कबीले वाले दूसरी जगह पे ले जा रहे थे। तब रूडी वहाँ से जैसे तैसे भागने में कामयाब हो जाता है लेकिन कबीले वाले उसे जहरीले कांटे से मार देता है और उसे खा लेता है। उन लोगों को दूसरी जगह पे ले जाने के बाद पैट और ग्लोरिया को एक गड्ढे में रखा जाता है और माइक को एक सेल में रखा जाता है लेकिन माइक वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और एक आदिवासी कबीले वाले को मार के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस माइक की गर्लफ्रेंड के साथ माइक को ढूंढने के लिए एक प्लेन लेकर वहाँ आता है और फिर प्लेन को देख के माइक मदद के लिए जोरों से आवाज देता है। माइक की आवाज को सुनकर कबीले वाले उस तक पहुंच जाता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। माइक को फिर से उस जगह लाया जाता है जहाँ ग्लोरिया और पैट को रखा गया था। माइक के द्वारा उन लोगों की और एक साथी की हत्या से वो लोग बहुत ही भड़क जाता है और इस वजह से वो लोग पैट की ब्रेस्ट में हुक घुसा के उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और फिर कबीले वाले आदिवासी माइक के सर को एक लकड़ी में फंसा देता है और उसके सर को काट के उसका दिमाग को खाने लगता है जो कि देखने में बहुत ही डिस्टर्बिंग था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले और माइक की गर्लफ्रेंड उस जंगल में आते हैं और एक आदिवासी से माइक के बारे में पूछता है। तब वो आदिवासी उन्हें झूठ बोलता है। वो आदिवासी उन्हें कहता है कि यहाँ पे 5 अमेरिकन आए थे जो कि नदी को पार करते वक्त मगरमच्छ का शिकार बन गया। उस आदिवासी का ये बात को सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि रात को कबीले वालों में से एक की ग्लोरिया के ऊपर दया आता है और वो ग्लोरिया की रस्सी को काट के उसे आजाद कर देता है। वो आदिवासी ग्लोरिया को नदी के पार ले आता है ताकि ग्लोरिया नदी को पार करके यहाँ से बच के निकले लेकिन तभी वो आदिवासी एक ट्रैप में आके मारा जाता है और ग्लोरिया को अकेले ही आगे का सफर को जारी रखना पड़ता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वहाँ कुछ लोग नाव लेके आता है और उन्हें ग्लोरिया बहुत ही कमजोर हालत में मिलती है और वो लोग ग्लोरिया को वहाँ से बचा लेता है। उसके बाद के सीन में हमें ग्लोरिया को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दुखी और सदमे में थी। वहाँ उसकी लिखी हुई बुक कैनिबलिज्म एंड ऑफ ए मैथ को रिलीज किया जाता है और यहीं पे ही इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।